खबर रायपुर से, जहां सीएम की फटकार के बाद एक्शन में प्रशासन आ चुका है। देर रात में हुक्का बार पर पुलिस का ताबड़तोड़ छापा मारा गया है। वीआईपी रोड पर स्थित हुक्का बार पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान एसपी प्रशांत अग्रवाल भी मौजूद रहे। शहर के 3 हुक्का बार पर कोटपा एक्ट की कार्रवाई की गई है। सबकी अहम जानकारी रायपुर से दे रहे हैं, जहाँ सीएम की फटकार के बाद एक्शन में प्रशासन दिखाई दिया है। इसी खबरदाता जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, ये बताइए कि भूपेश बघेल की मीटिंग के बाद अब प्रशासन भी एक्शन में आ चुका है। जी देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बैठक ली थी। बैठक के बाद नशे के विरुद्ध अभियान जो है वो चलाए जा रहे थे, जिसे लेकर के पुलिस को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अब कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिस तरीके से पत्थलगांव में हादसा हुआ था, गांजे से भरा जो गाड़ी है वो ग्रामीणों को कुचल कर गया था, वहाँ से रवाना हुआ था, तो इस तरीके से जब से इस तरीके की घटना सामने आई है, तब से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। और उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि दूसरे राज्यों से गांजे का एक पत्ता भी बरामद नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, और गांजे के अलावा हुक्का बार को भी बंद करने के निर्देश जो है वो प्रदेश में दिए गए हैं। इस वजह से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद देर रात 4 से 5 हुक्का बारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, और जो सामान है, हुक्का संबंधित सामग्रियां भी जब्त की गई है। जी सुप्रिया।